जब नया नया लिखना शुरू करते हैं ना तो एक्साइटमेंट भी बहुत होती है और खुशी भी बहुत होती है तो हो सकता है मैं ना लिखती लेकिन जब उन वो कहती थी तो मुझे ख्याल नहीं आता नहीं। था ज़रूरत रिश्ता भी सब पढ़ते थे इतनी बालायत खीन होती हैं ना लेकिन कभी कभी सिर्फ न... उनकी सलाहियतों को या उनके पैशन को इसलिए जंग लग जाता है कि एक नई जिंदगी में ऐसे नहीं हो सकता कि बस सब अच्छा है वार्ड बॉय नर्स आते थे वो कहते थे कि अम्मा पहले कोई शेर होना अच्छा? फिर आपके इंजेक्शन लगेगा <laughs> तो आपके तो जो कॉलम मेरे से सबसे ज्यादा मशहूर हुए पहले ब्लॉग ही पढ़ लें और कुछ नहीं पढ़ रहे थी अभी क्या कर ले। ले दो। नहीं क्या क्या लिखती रहती हूँ वो भी लिख दो अब रिटायरमेंट में घर की सारी खबा के लिए ली है फिर वो कहने लगे वो काम वाली आती है उसके लिए भी लिख लो अठारह साल खालिद को कोई नसीहत करे दूसरे के दिल का तो कर दिया कर आपने ख़त्म <laughs> काम तमाम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबके उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे मैं भी ठीक हूँ वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हम ख्याल और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक बड़े ही अदबी घराने से है इन्होंने हाल ही में जो है वो अपनी किताब भी पहली पब्लिश की है जंग में लिखती रही हैं बहुत शगफ्तः लिखती हैं और महमूद शाम साहब जो कि हमारे बड़े माय ना सहाफ़ी हैं उन्होंने इन्हें खातिन की इबन इशा करार दिया है तो आइए मिलते हैं जनाब मोहतरमा गज़ाला खालिद साहिबा से असल कैसी हैं आप बिल्कुल खैरियत से बहुत शुक्रिया आज अपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज अब हम हमारा इरादा है कि हम आपके बारे में भी जाने और आपके आसपास वालों के बारे में भी जानें और बहुत कुछ सीखें इन बिल्कुल बिल्कुल तो मैं तो आपको जानती हूँ मैं आपको पढ़ती भी रही हूँ तो आप हमारे देखने वालों के लिए अपना तारुफ करवाइए जी तारुफ मेरा ये है कि मैं ग़ज़ाला खालिद हूँ नई नई मेरी किताब आई है उस हवाले से थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ और तकरीबन उन्नीस बीस साल हो गए जंग में लिखते हुए मुझे माशा और ये है कि अदबी घराने से ताल्लुक़ इस तरह है कि प्रोफेसर इनायत अली ख़ान को जानते हैं सब वो मेरे चचा थे उनके अलावा भी सभी हमारे घर में यानी मेरे ददियाल में सब शायर थे अच्छा। नसर की तरफ कम लोग थे शोरा और शो शोरा थे अच्छा। और लेकिन जो मेरे चचा थे वो शायर भी थे और अदीब भी थे उन्होंने दरसी कुतुब भी लिखी बिल्कुल और वैसे भी वो बहुत ज्यादा यानी शायरी और नसर दोनों में माशाल्लाह मेरा रुझान नसर की तरफ रहा शायरी मुझे अच्छी बहुत लगती है शेर सुन के बड़ा मजा आता है हाँ। लेकिन याद नहीं रहते अच्छा। मुझे मुश्किल होती है शेर याद करने सही, में न सर की तरफ ज्यादा रहा तो बस ये कि दादा शायर थे घर में शायरी की महफिलें होती और रहती थी। तो 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 सही सही तो ये यह सिलसिला चला तो वैसे आपका बचपन कहाँ गुजरा मेरा बचपन हैदराबाद में गुजरा हैदराबाद में हम लोग रहते थे और ज्वाइंट फैमिली थी हमारी तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला प्लस पॉइंट्स बहुत थे सही और उस वक़्त का माहौल हैदराबाद में थोड़ा सा कराची के मुकाबले में जरा सुकून महसूस सुकून होता है सुकून भी था हाँ। उस जमाने में मेरा ख्याल है आज से मैं कह रही हूँ कोई फोर्टी फाइव साल पहले अच्छा या फिफ्टी हाँ, साल पहले माशाल्लाह तो ज़ाहिर है वो पहले कराची में भी सुकून ही होता था लेकिन हाँ। हैदराबाद में और ज्यादा सुकून सही, था सही, सही। और उस जमाने में लोग मिलते भी बहुत थे एक दूसरे से एक दूसरे, से, एक दूसरे थे के, थे। के आना जाना मोहल्लेदारी भी मोहल्लेदारी हमारे जिस इलाके में हम रहते थे ना वो हीराबाद का इलाका अच्छा। था और वहाँ ऐसा मिलने जुलने का इतना अच्छा। रुझान नहीं था अच्छा। वहाँ थोड़े वैसे घर थे जो पॉश एरिया कहलाया जाता था हिंदुओं का बड़े अच्छा। बड़े घर तो नहीं थे लेकिन तो उसी तरह का माहौल था कि गलियों में एकदम से आमना सामना नहीं होता था अच्छा। इस तरह घर बने हुए थे तो लोग मिलते कम थे मर्द मिलते थे खातिन बहुत कम एक दूसरे से यानी जाती थी एक दूसरे के घर सही। इस तरह का माहौल तो आस पास वो मुशायरे होते थे लोग मुशायरे होते थे।, थे घर में मेरे दादा बीमार रहते थे अच्छा वो समझे नाइनटीन फिफ्टी में उन्हें कैंसर okay. हुआ था oh, oh. पाकिस्तान बनने के दो तीन साल बाद अच्छा तो उसके बाद वो बेड पे ही थे हमने उन्हें बेड पे ही देखा अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दी थी 81 या 82 में उनकी डेथ हुई 50 लेकिन... से लेके 81. बिल्कुल बहुत लेकिन बहुत, बहुत लंबा अरसा तो। था oh, oh. तो ये था कि वो उनके पास बहुत लोग आते थे मिलने आते और घर में ही हमारी दादी से और हमारे चाचा से हमारी फुप्पियों से सबसे ही शायरी होती रहती थी ताजा कलाम सुनाया जा रहा है और सुना रहा अच्छा। है और तो वो होता है ना बच्चे सुनते, सुनते हैं तो जरूर असर होता है तो पड़ती रहती है कान में तो खुद एक बिल्कुल, हो रही होती है, जौक बिल्कुल, की। बिल्कुल। इस तरह जौक की परवरिश हुई लेकिन लिखा नहीं था। अच्छा। लिखा बहुत देर में। तो लिखने का कैसे फिर आगाज ऐसे हुआ की लोगों को मैं जो माशरे में आस लोगों को देखती हूँ ना तो मैं उस पर बोलती बहुत थी अपने घर में जैसे उन्होंने ये कहा तो उन्होंने इस तरह नहीं कहना चाहिए था गलत थी ये बात और परवरिश के हवाले से बच्चों की कुछ मैं बोल रही थी तो मेरे शोर कहने लगे कि तुम इतनी अच्छी जैसे पॉइंट्स हैं तुम्हारे तो तुम ये लिख लो और अखबार भी मैं बहुत शौक से पढ़ा करती थी अच्छा। तो उन्होंने कहा लिख के भेज दो मुझे शौक तो होता था मैंने कहा चलो कह रहे हैं तो लिख के भेज देते हैं तो मैंने मिड वीक मैगजीन में लिख के भेजा अच्छा। था और वो छप गया और जब नया नया लिखना शुरू करते हैं ना तो एक्साइटमेंट भी, भी बहुत होती है और ख़ुशी भी बहुत होती है कि भाई छप गया और तो फिर हाँ सबको सब और... दिखाना है सबको बताना है तो फिर बस सिलसिला शुरू हो गया फिर उन्होंने भी रज़िया फरीद साहिबा जो वहाँ की उस वक्त वो मिड वीक मैगजीन की इंचार्ज थी बाद में वो पूरे मैगजीन सेक्शन की इंचार्ज हुई अब तो वो सीनियर मुदीरा हैं तो उन्होंने भी बहुत हौसला बुजाई कि मैं कहती हूँ मेरे लिखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है किसी का थोड़ा सा पुश चाहिए होता पुश है या बहुत अफजाई मिल जाए बिल्कुल क्योंकि हम अपने आप को दरिया नहीं कर पाते होती तो है हमारे अंदर सलाहियत है मगर कोई जरा सी आपको कह देना बात तो फिर आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। फर्क पड़ता है जैसे मैं है। थोड़े दिन नहीं भेजती थी आर्टिकल तो उनका फोन आ जाता अच्छा। था कि तुमने लिखा नहीं या उनको किसी ख़ास मौके पे ईद पे चौदह अगस्त पे या पच्चीस दिसंबर पे या खातिन के आर्मी दिन पे कुछ लिखवाना होता था तो वो मुझे कॉल करती थी कि आप इस पर लिखें तो हो सकता है मैं ना लिखती लेकिन जब उन, वो कहती थी तो मुझे ख्याल आता था लिखना चाहिए। और फिर मुझे शौक भी होता था सही, और सही, वो बड़ा अच्छा प्रिंट करती थी बहुत अच्छा वो कहती थी देखो मैंने तुम्हारा इतना अच्छा आर्टिकल लगाया और जहर खुशी होती थी और उस वक्त तो पहले नंबर पे आता था अखबार पहले नंबर पे सबके घर में आता था मैं उस वक्त का सोचती हूँ और मेरा ख्याल है अट्ठारह उन्नीस साल पहले की बात है कि सब फोन रिश्तेदारों के फोन आते थे, थे इतने शौक से लोग अखबार पढ़ते, पढ़ते थे, थे सब पढ़ते भी सब थे, पढ़ते ना? पढ़ते मुझे थे। भी याद है अपने बचपन में भी अगर हमारे काम की कोई चीज़ नहीं भी होती थी जैसे तो सियासी खबरें नहीं है हुँ... तो भी हम कुछ ना कुछ तलाश करके हुँ... मौसम का हाल टी वी पर जरूर पढ़ लेते थे तो वो अखबार की एक जो जमाने में तो बिल्कुल पूरा वो जो होता था ना जरूरत रिश्ता भी सब पढ़ते थे सही कह रही है और फिल्मों के भी इश्तेहार आते थे, थे उस वक्त सिनेमा वो भी हाँ पढ़ तो लेते थे फिर डिस्कस भी होता था उस पर हाँ। फिल्म आई है या ये, ये ऐसे जरूरत है रिश्ता का ये इश्तेहार आया है और हंसी मजाक हो रहा है इतने इतने पढ़ते थे।, थे और मुझे याद है कि क्योंकि हम बच्चे होते थे और टी होता था तो पी होता था या इस तरीके के सिर्फ चंद एक प्रोग्राम आते थे तो कुछ उस पर इस तरह का आ जाता था तो मुझे होता था कि अब ना अखबार में कोई तबसरा इस पे लिखेगा अमूमन वो साहिबा होती थी

वो बिल्टिन होती है खुदादाद होती है या उसको पैदा किया जा सकता है बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमें लिखना है तो हम कैसे लिखें या क्या करें तो उसके बारे में क्या ख्याल है मेरा तो ये ख्याल है कि यह खुदादाद होती है अच्छा कुछ ना कुछ होता है अंदर सही। हो सकता है कि पूछने से और पॉइंट से भी लिखना शुरू कर देते हो कुछ लोग लेकिन उनमें जज्बा होता होगा लिखने का और वो मेहनत करते होंगे लेकिन जो मेरा ख्याल है कि खुदादाद होती है सलाहियत हाँ माहौल उसको जिला बख्शता है सही उससे चाही, वो बढ़ती है बढ़ती है जैसे थोड़ा सा कुछ होगा मुझ में लेकिन जब मैं अपने घर का माहौल देखती थी शायरी सुनी जा रही है फिर हमारे दादा बाकायदा एक दिन हमारे सब बच्चों को कोई एक मौजू देते थे कि अब इस पे लिखो अच्छा अब चाहे वो आलू मटर गोभी हम साहब तुम धोबी वाले शेर हो लेकिन हाँ गजरे मैं ये कहती हूँ गजरे बिल्कुल सही है और मैं आपको बताऊँ गजरे की जो स्टोरी है ना मैं नई नई कैनेडा मूव हुई थी तकरीबन बीस साल पहले और मेरी एक दो दोस्तें बनी थी और हम सब तो वो जो गजरों वाला था ना तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद आई और वो ये याद आई कि मैं कैनेडा जब नई नई गई थी तकरीबन बीस साल हो गए तो मेरी दो फ्रेंड्स बनी थी वो हमारे बिल्डिंग में ही रहते थे तो एक दिन हम जमा हुए तो यही बात हो रही थी कि बार हजरात जो इन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं तो वो कह एक मेरी फ्रेंड है वो कहने लगी कि मैंने फरमाइश कर दी थी तो कहने लगे अच्छा तो फिर क्या हुआ एक दिन कह रहे हैं ओ वो मैं कल लेकर आया था तो वो गाड़ी में पड़े हुए होंगे तो वो निकाल लो कहने लगे वो मुड़ चुड़ के बिल्कुल हो चुके थे तो वो मुझे ऐसी हालत में मिले तो दूसरी ने फिर अपनी कहानी सुनाई कि हाँ मैंने फरमाइश कर दी सिग्नल पे तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है वो अपने लिए लिए फिर उन्होंने घर की सारी खवीन के लिए लिए फिर वो कहने लगे वो, वो काम वाली आती ना उसके लिए भी ले लो <laughs> तो ये मैंने जो पढ़ा था वो मुझे उनका दर्द याद आया कि ये इतनी छोटी सी बात होती है और अक्सर ये जिक्र करती है इवन मैंने जो है ना किसी और की किताब में भी इसी तरह का पढ़ा था तो मैंने कहा इतना सेंसिटिव इशू है और सबके दिल के बहुत करीब है और आपने इस तरह लिखा तो एक और सवाल मैं ये करूँगी कि घर से फिर आप शादी के बाद आपको लिखने लिखाने में कितनी सपोर्ट हासिल रही है और आपके हस्बैंड का क्या हस्बैंड का बहुत बड़ा किरदार था मेरा ख्याल है कि हस्बैंड मैंने जैसे बताया ना कि शुरू ही उन्होंने करवाया और जैसे ये गजरे की अभी हमने बात की तो इसमें एक बात रह जाती है जो इसकी आखिरी लाइन्स है ना कि शोहर चाहे गजरे ना दिलवाए चाहे फूल ना दिलवाए लेकिन फूलों की तरह रख ले, रखे। ये होता ये होता है। बिल्कुल बहुत फूलों की अहमियत नहीं होती तो मैं कहती हूँ ये आखिरी लाइन गजरे के साथ जरूर होनी जान चाहिए जान है उस पूरे बिल्कुल उस तो इसी तरह लिखने के हवाले से जैसे कहा कि शुरू ही इस तरह किया कि उन्होंने कहा भाई ये लिख लो लिखा करो भेजो तो बहुत सपोर्ट थी उस जमाने में हमारा जो आर्टिकल भेजना आई आई का रोड अखबार मंजिल हाँ, वो भी एक काम होता था बहुत बड़ा काम है पोस्ट से हम भेजते नहीं थे उसको पहुंचाते थे, थे।, थे। अच्छा। हाँ अक्सर होता था कि किसी को बाइक पे, पे पेट्रोल के पैसे दिए और जाओ फिर ये दे के आओ कोई ऑफिस के लड़के जो उस तरफ रहते थे इस तरह पहुंचाना सपोर्ट करना बहुत यानी कि शोहर के बगैर तो नहीं हो है बिल्कुल नहीं मुमकिन हमेशा हाँ। ये कहती हूँ कि एक तो पहला वोट घर का होता है हाँ हाँ और दूसरा ये कि इतनी बासलायत खीन होती है ना लेकिन कभी कभी सिर्फ न... उनकी सलाहियतों को या उनके पैशन को इसलिए जंग लग जाता है कि उनको सपोर्ट जंग भी लगता है और अगर घर में आपके सुकून नहीं है ना जी फिर आपकी तखलीकी सलाहियतें खुद ही दब हैं दब है। जाती हैं बहुत बड़ी बात है और ये दोनों तरफ से है दोनों है। तरफ से बिल्कुल। मर्द भी अपना काम सुई से नहीं कर सकते घर से सुकून से ना आ जाए मर्दों का ये होता है कि वो फरार इख्तियार कर लेते हैं वो घरों से निकल जाते हैं दोस्तों तो में बैठे हैं आपने शायरों का देखा ही होगा अगर घरेलू जिंदगी अच्छी नहीं है तो वो घर नहीं जा रहे, रहे। महफिलें हो रही है बाहर हैं खातिन ये भी नहीं कर सकती तो अच्छा वो और ज्यादा बिगाड़ पैदा होता है और घर डिप्रेस में। हो जाती है और सारी उनकी सलाहियतें खत्म ही हो जाती है घर के माहौल से छोटी सी खिड़की आपके लिए खुली रह बिल्कुल ताजा हवा आती रहे दोनों के, दोनों के लिए दोनों के लिए दोनों के मेरी ये बात नहीं है सिर्फ औरत मर्द के लिए भी दोनों के लेकिन मर्दों के फरार के रास्ते हैं खातिन का फरार का रास्ता भी नहीं है ये ये पढ़े की बात कर रही हैं आप और ये भी हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत है बाहर आप जाए तो फिर भी थोड़ा सा ये है कि हाँ खातन भी उस तरह मूव कर सकती हैं निकल सकती हैं दोस्तों से मिलना मिला यहाँ पे भी कर सकते हैं यहाँ अब हुआ अब, ये। अब, अब है पाँच दस साल में थोड़ा सा चेंज आया है वरना उससे पहले नहीं था पहले जो यह ये की खातन की जो भी एक वेंट करने की या जो भी एक्टिविटी होती थी वो करीबी घरेलू रिश्तेदारों तक में बंद रहती थी क्या आप बैठ के किसी के घर चले गए या वहाँ से आ गए या वही है कि वीकेंड पे उसमें भी सियासत बहुत होती थी उसमें भी अब फर्क आया है पाँच दस साल में अच्छा उससे ना आप कोई पुरसकून नहीं होते उससे और इंतजार बिल्कुल जो जो बिल्कुल, जो होता है ना तो जैसे मुझे एक बड़ी वो होती है कि मैं किसी से भी बहुत देर तक फ़ोन पे बात नहीं कर पाती क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे फिर लगता है कि कन्वर्जेशन दूसरी तरफ जाती चला जाता है, है। जरूर जाती तो है। और फिर वो मजेदार इसीलिए हो जाता है <laughs> जब तक नहीं हो तो कन्वर्जेशन में मजा ही नहीं आता डिस्कशन में मजा ही नहीं आता तो और ये भी एक बात लगती है कि जो पूरा माशरा है ना अगर हम उसकी बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहला जो है ना वो घर में सुकून होना चाहिए घर में सुकून हो तो सब कुछ अच्छा तो माशा आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया मेरी शादी को माशाला पैंतीस साल हो गए पैतीस साल हो गया बच्चे कितने बड़े हैं आपके क्या कर रहे हैं बच्चे मेरे तीनों माशाल्लाह बड़े हैं दोनों बेटे मेरे शादीशुदा हैं एक एक पोती है मेरी माशाल्लाह बेटी की मेरी अब शादी होने वाली है हाँ, निकाह हुआ हुआ है उसका अच्छा, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छा बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है एन अच्छा, से किया उसने फिर उसने एम एस किया और दूसरे नंबर वाले ने आईबीए से किया बीबीए, फिर वो बाहर चला गया था स्पेन, वहाँ अच्छा, बार्सिलोना में साडे यूनिवर्सिटी से उसने एम एस किया फिर वो पाकिस्तान वापस आया असल बात ये है कि पाकिस्तान में है मेरे बच्चे अच्छा, अलहमदल बेटी ने भी मेरी आई बी से किया अभी वो आजकल यंगो की मार्केटिंग हेड है माशाल्लाह वेरी नाइस तो, तो यानी तालीम बच्चों की माशाला तालीम पे रही था बहुत खुद पढ़ाया मैंने बच्चों को कुरान भी मैंने खुद पढ़ाया बच्चों चा, को अच्छा माशाल्लाह और ये सब चीजें ना जब आप इस एज में पहुंचते ताला की नहमतों का जितना अदा करे कम है कम है बिल्कुल सही कह रही है वही छलक छलक गई आंखें ये सोच कर अक्सर की मेरे रब की है मुझ पर इनायत है क्या क्या वाह तो ये किताब में लिखा है लेकिन ये मैं अलहमद लाला बहुत शुक्र है है दिल की आवाज बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो जो बच्चियां मैं कहती हूँ जो नई जिनकी शादी होने वाली है या नई जिंदगी में दाखिल हो रही हैं या फिर बच्चे भी अब आजकल तो दोनों तरफ से बराबर कर बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर, और एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि दोनों को हम एक ही तरह से ले एक ही तरह से समझेंगे क्योंकि जहन तो दोनों का एक ही जैसा है ना और काबिलियत भी अब देखिए तो कुछ कहीं कुछ कमी नहीं है तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी कि, कि कामयाब शादी शुदा जिंदगी के क्या है कुछ उसूल जो अपनाने चाहिए कामयाब शादी के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है लेकिन सबसे ज्यादा सब्र बर्दाश्त चाहिए होता है एकदम से आप एक नई जिंदगी में ऐसे नहीं हो सकता कि बस सब अच्छा है ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे सही, सही। ये बात सोच के शादी से पहले मैं तो कहती हूँ कि कुछ वो होनी चाहिए बच्चों की काउंसलिंग होनी, होनी चाहिए, चाहिए, चाहिए। वर्कशॉप कुछ ऐसा हाँ, चाहिए। जो हमने भी नहीं की अपने बच्चों की लेकिन ख्याल आता है कि होनी चाहिए ये ये आम होना चाहिए आम ये बात। होनी चाहिए क्योंकि हम लोग तो वही जब तक जिस तरह का हमने दौर देखा है तो उसमें तो उसमें बस वो होता ना कि शादी हो तो तो। इस तरह नहीं थोड़ा सा यानी ट्रेनिंग की जरूरत होती है लड़कों को भी लड़कियों लड़कियों को भी सब्र बर्दाश्त मोहब्बत सब कुछ चाहिए शादी के लिए और अच्छा एक चीज जो मैं यानी मैं सोचती हूँ आज मैं पहली दफ़ा ही कह रही हूँ कि सारी बातें करते हैं ना प्यार करो मोहब्बत करो ख्याल करो एक होती है तवज्जा तवज्जा जो होती है ना वो बहुत अहम है जैसे तवज्जा क्या है जैसे आपने खाना पका के रख दिया अब आपका शौहर आया आप कुछ कर रही हैं भाई खाना रखा है नहीं जो तवज्जा होती है ना ये सिर्फ शोहर और बीवी यानी ये नहीं है कि बीवी करे ये तवज्जो के आप देखें कि उसने ले लिया खाना अब वो खा रहा है उसे किस चीज़ की जरूरत तो साथ नहीं बैठे। है हाँ साथ बैठे साथ हैं बैठ बात कर लें और यही शोहर के लिए है दोनों तरफ से ईद आई बकरा ईद आई शादी आई कुछ आया आप बीवी से ये लो भाई पैसे कपड़े लेके आ जाओ आप थोड़ी दें आप उसका साथ दें आप उसके साथ चले जाएं उसको बहुत अच्छा लगेगा वो आपसे पूछ लेगी कि मैं ये कलर लूँ वो कलर लूँ आप आ, उसमें बोल दें ये तवज्जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं और ये बहुत अहम है मियाँ बीवी के रिश्ते में तो बहुत अहम है तवज्जो बहुत अहम है अपनी अपनी जिंदगी नहीं कि हाँ भाई तो प्यार है, है सब है पैसे भी दे रहा है बीवी खाना भी पका रही है जो घर होती तो है घर तो चल चल रहा है, काम आ, भी रहे हैं से रिश्ता बहुत के मजबूत होता है मोहब्बत बढ़ती है बहुत ही आपने इतना अहम और खूबसूरत पॉइंट ये लेकर आई हैं आप और मेरा ख्याल है कि हर लड़की बस इतना ही चाहती है बिल्कुल एक इज्जत मोहब्बत और ये कि हाँ छोटी छोटी चीजें ना बहुत वैल्यू एड कर देती है बहुत जो value, हमने बहुत जिनको हम इग्नोर कर देते हैं या जिनको नहीं हाँ। देखते हैं लेकिन बस ये छोटी सी वो होती है जिससे फिर वो होता है ना निखर जाते हैं निखरते हैं रिश्ता, हाँ, निखरता, रिश्ता, रिश्ता निखरता है, है। रिश्ता निखर मजबूत होता है अच्छा लगता है एक दूसरे को बीवी को भी अच्छा लगेगा शोहर की तवज्जा और शोहर को भी अच्छा लगेगा ये छोटी छोटी चीजें हैं तो आपका जैसे आपने बताया कि आपकी परवरिश जॉइंट फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम और अब तो आप माशाल्लाह सास भी हैं सास हूँ और अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम चल अच्छा, रहा है अच्छा तो और... आप इस पे कुछ रोशनी डालिए जॉइंट फैमिली सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स कामयाब कैसे बनाया जा सकता है बिल्कुल इसके दोनों होते हैं ना इसके खामियां भी हैं खूबियां भी हैं और इसमें भी सबर बर्दाश्त सबसे पहले सबर बर्दाश्त और फिर बड़ों की जो अहमियत है ना बड़े अपने घर को कायम रखने में बड़ों की जो बात बड़ों का रवैया बड़ों के जो यानी पूरा है, उसको हैंडल करना घर सिस्टम को सिस्टम को मैनेज करना, को करना वो बड़ों का की जिम्मेदारी है।, है बैलेंस रखना रिश्तों में दो बवे हैं बेटी भी है हजार मसले घर के होते हैं छोटी छोटे उसको है बैलेंस करना अगर बड़े बड़ा समझदार है और अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं रखें जो जाना चाहे जिसको मुश्किल है खुशी से जाए उसका साथ दें ये ये बड़ा मसला बन जाता है कहीं कहीं ना कि माँ बाप कहना चाहिए इतना इसको अपने ऊपर भी ले लेते ले ले हैं और इतना बड़ा मसला बना लेते हैं के मसला, वो मसला नहीं बनाना चाहिए अगर बच्चा जाना चाह रहा है वो अपनी अलग जिंदगी शुरू करना चाह रहे हैं मैंने ऐसी माए देखी हैं कि बड़ी खुशी से घर ढूंढने जा रही हैं साथ सेटिंग करवा रही हैं सब कर रही हैं खाने पका के ले जा रही है हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात होती है बच्चों को जैसे खुला छोड़ दें खुला दे मैं अपनी बहुओं से कहती हूँ दो बउुए और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह ताला की बड़ा करम है कि बहुत अच्छी बच्चियां मेरे घर में आई हैं उनको मैं अक्सर बिठा के बात कर रहे होते हैं हम इधर उधर की तो मैं ये कहती हूँ ये वक्त गुजर जाएगा वक्त इतना अब इस उम्र में आके मुझे लगता है वक्त तो बहुत जल्दी गुजर जाता है फिर तुम लोग ये याद करोगी कि से रहते थे हम मेरी बच्ची उसके रूम में जाके खेलती थी फिर मैं बुलाती थी तो नहीं आती थी और इसी तरह तलख बातें भी याद रहेंगी अगर होंगी तो लेकिन वक्त गुजर, गुजर जाएगा तो कोशिश करो अच्छी अच्छी बातें हों और, और वो एक दिन कह भी रही थी मेरी बहू कि आपने इतनी अच्छी बात कही थी तो मुझे अक्सर ये याद आता है कि हमें ये सब अच्छी अच्छी बातें याद आनी चाहिए याद और, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार से रहती हैं बहुत सुकून है अलहमद ला का बहुत शुक्र है अच्छी बात है ले वही मुझे याद पड़ता है मुझे नहीं पता है कि ये कोई वाकई हुआ था लेकिन वो कहते हैं ना कि उसने कहा है महमूद और रियाज का वाक़ है कि तुम इस पे कुछ ऐसी इबारत, इबारत लिखो कि मैं इसको देखूँ तो मुझे खुशी महसूस हो और मैं इसको है तो गमगीन भी हो हूँ तो उन्होंने ये लिखा कि ये वक्त भी गुजर, गुजर जाएगा. जाएगा बिल्कुल सही बात है, <laughs> बिल्कुल ये। तो वाकई में क्या अगर अच्छा गुजरा है तो आप उसको फिर आपको होगा कि अरे ये वक़्त गुजर जाएगा और बुरा और मैंने उस ये भी मैं मिसालें देती हूँ कि रही खातन और बहुत अच्छी तरह नहीं रही बहुत ऐसे हमारी मिसालें भी मौजूद हैं तो मैं कहती हूं, अब सब ना याद करते हैं हम कैसे रहते थे कितना अच्छा लगता था और ये होता था मैं कहती हूं, जब रहती थी थी, तो इतनी होती, थी। होती थी। 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 <laughs> लेकिन अब जो अच्छी बातें थी वो ना याद, याद आती हैं और वो उस पर बहुत खुश होते हैं सब नहीं जिस वक्त हम उससे गुजर रहे होते हैं ना वो छोटी छोटी एक तो ये कि उम्र और तजर्बा और ये सब भी बहुत कुछ सिखाता है लेकिन जिस वक्त हम गुजर रहे होते हैं तो हम खासे पे सबरे होते हैं, हम कहते हैं।, हैं। बस ये ये पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है और ये कैसे होगा लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं था तो ये वाली बात भी होती है और जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है लेकिन हंड्रेड परसेंट के जो बड़ा है ना घर का उसको, उसको दिल में अपने जगह और नुकसान यही है हाँ आपको दूसरों की मर्जी से रहना पड़ता है कितना भी अच्छा आपको माहौल मिले सही बात है चीज़ें गिरी हुई हैं आपका नहीं दिलचारा उठाने को उठाने <laughs> आपको समेटना <laughs> पड़ेगा <laughs> सही सही। चोटी क्योंकि चोटी इतने सारे लोग रह रहे हैं साथ आपके आपका काम का दिल नहीं चाह रहा लेकिन हाँ आपको करना है करना है करना पड़ेगा ये, स... ये होता है। है। बच्चों की परवरिश में भी हर हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने हिसाब से तरबियत करना चाहते है मेरा नेक्स्ट सवाल यही आ रही थी मैं कि बच्चों की तरबियत के हवाले से फिर जाहिर सिस्टम में मुश्किल होती और पहले का दौर मुख्तलिफ था अभी क्या आप फर्क महसूस करती हैं पहले का दौर भी मैं आपको याद यानी मैं, मुझे याद है कि मेरे अम्मी जब हमें डांटती थी ना तो हमारे दादा अरे मेरे पास आ जाओ हाँ, और हमें पनाह मिल जाती पना थी, मिल जाती थी। और उसको और, अम्मी को बोलो क्या मैं अम्मी को, बड़ा गुस्सा आ रहा होता था और हम भाग के अपने दादा के पास चले जाते थे तो अब हम कोशिश करते हैं कि जब हमारी बहू डांट रही हो तो हमारे बच्चों को तो हम नहीं बुलाएं उन्हें अपने पास अच्छा हाँ, हाँ, हम उस ये नहीं ये बड़े ही ना समझदारी की बात है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि दादियां नानियां इस बात पे लड़ती हैं कि मेरे सामने नहीं मेरे बच्चे हाँ, को डांटा करो हाँ, हाँ, या ये दर उसको क्योंकि फिर जाहिर है तरबियत का तो फिर नहीं रहता ना कोई पहलू जब बच्चे को पता चल जाता है कि इवन माँ बाप में भी पह, मैं हमारी अगर अक्सर जो है वो बचपन में ही होती थी कि बचपन में जो हमारे बच्चे जब छोटे थे तो मैं अपने हस्बैंड से ही कहती थी कि जब आप डांटें तो मैं फिर जरा नहीं वो फिर नॉरन बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें तो हम तो सही थे तो हमें खामा खामो किया जा रहा था हिमायत हिमात हिमायत मिल जाती है तो ये वाली मुझे किसी एक और भी हमारे बुजुर्ग है उन्होंने भी बस हमें ये बात की थी कि, कि कोई एक डांट रहा हो ना तो दूसरे को चुप रहना चुप चाहिए चाहे वो, हाँ। 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 वो थोड़ा सा ज्यादा भी डांट रहा हो क्योंकि अमून यही होता है कि माओ का प्यार मुख्तलि होता है वो थोड़ा सा झड़क के दोबारा से हाँ। कर लेती है और जो बाप होते हैं उनका जरा सख्त हो जाता है फिर कभी कभी बहुत हाई हो जाता है तो वो वाली बात लेकिन हाँ ये तरबियत का तो वो पहले जिस तरह से तरबियत होती थी वही पूरा खानदान जैसे मिल के करता है अभी भी आप क्या तो खैर जॉइंट फैमिली सिस्टम है लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया है बिल्कुल अब पहले हम छोटी छोटी चीज़ें होती थी या सवाल होते थे तो अगर हमारे बड़े चुप भी करवा देते हम चुप हो जाते थे अब बच्चे हाँ बिल्कुल अब नहीं होते चुप अब उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है जवाब चाहिए होता है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो और पीछे जब आप मुड़ के देखती हैं और सोचती हैं अगर मैं कहूँ कि आप अट्ठारह साल गजाला खालिद को कोई नसीहत करे नौजवानों के लिए तो आ, क्या कहेंगे अट्ठारह साल को तो मैं क्या नसीहत करूंगी कि भाई मैं तो बड़ी डरपोक लड़की थी अच्छा रोना इतना आता था अच्छा हर चीज से मुझे डर लगता था तो क्यों आ, <laughs> मिजाज, मिजाज कुछ ऐसा, ऐसा था, था? मिजाज अच्छा। ऐसा था और अभी भी है काफी वही नहीं कहते कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर सारे, सारे जहाँ का दर्द, दर्द हमारे जिगर, जिगर में, में है तो वो तो कम उम्र में तो और ज्यादा था सही बात है उस वक्त जो, जो क्या तो नून मीम राशिद की शायरी है ना आदमी से डरते हो आदमी तो तुम भी हो आदमी तो हम भी हैं जिंदगी से डरते हो जिंदगी तो तुम भी हो जिंदगी तो हम भी हैं अनकही से डरते हो मैं तो <laughs> <laughs> सही बड़ी बड़ी कुछ तो नजर नहीं ना हर चीज से डर लगता था अच्छा तो अब मैं 18 साल से या उससे भी छोटी से मैं यही कहूंगी कि ये जो सयाने कहते हैं अकलमंद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो सोचें होती हैं ना कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए ये सिर्फ हमारे दिमाग की सोचें होती हैं कहते हैं 80% तो वो होता ही नहीं 80% तो वो होता ही नहीं जो हम सोच रहे होते हैं और हम जो बीस फीसद होता भी है तो उससे हम बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं सिर्फ पांच फीसद ऐसा होता है जिसमें थोड़ा रोना धोना करके गुजरना होता है तो कोई इतनी खतरनाक बातें नहीं होती लेकिन बस वही कम उम्र ही का खौफ के डर भाई देर भाई स्कूल से नहीं आया तो क्यों नहीं आया अब अच्छा, हम रो रहे हैं अम्मी ने डांट दिया तो रो रहे हैं <laughs> अम्मी ने कह दिया अबू आएंगे तो उनसे शिकायत करूंगी अबू हमारे बेचारे इतने मासूम वो अच्छा। तो जोर से बोलते भी नहीं और उस वक्त भी बिल्कुल जब वो जवान थे जब भी वो नहीं डांटते थे इस तरह अब उनसे डर लग रहा है कि अबू आएंगे तो वो कह देंगी हालांकि जब वो उन्होंने कहा तो अबू कुछ भी बेटियों से तो और ही नहीं कहते बाप हाँ, ज़्यादा अटैचमेंट तो होती है। बस बड़ा मैं कहूँगी अठारह साल से कि मजबूत बनो डरो नहीं डरो नहीं <laughs> और कर गुजरो कर गुजरो कर बिल्कुल डरना नहीं।, नहीं।, नहीं चाहिए सही बात बहादुर होना चाहिए।, बहादुर होना चाहिए बहादुर होना चाहिए अच्छा थोड़ा फिर हम दोबारा से पढ़ने लिखने की तरफ आते हैं तो Uh, किताबों से देख रही हूँ मैं रहा ख़त्म हो रहा है बच्चों का भी बड़ों का भी और अच्छे असरात नहीं है माशरे पर यह तो भी हमें नज़र आ रहा है तो इस बारे में कुछ कहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा और क्या कर सकते हैं हम मैं तो सोचती हूँ तो मुझे एक ही मुजरिम नज़र आता है और वो मोबाइल है मोबाइल बिल्कुल हालांकि हम देखें तो मोबाइल तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है यानी हम उस पर पढ़ भी सकते हैं अब इस इस्तेमाल लोग किस तरह कर रहे हैं वो यानी हम किताबों से दूर हो रहे हैं हाँ हम सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से करीब हो रहे हैं अदीब शौरा जैसे सोशल मीडिया मेरा आपका रापता समझ लें ये यानी बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, हमारे रबते हो रहे हैं लेकिन लोगों ने इसको ये बना लिया कि अगर मोबाइल है तो बस अब हमें चौबीस घंटे बस इसको ही देखना है और क्या देखना है उसके भी नहीं है लोगों के यानी उनके जहनों में नहीं है ये समझ नहीं है समझ कि इस्तेमाल कैसे नहीं है, कैसे उनके करना कर है। इस्तेमाल कहते हैं ना एक छुरी किस तरह इस्तेमाल होती है बंद है क्या भी कट सकता लग है, है। उंगलियां भी कट सकती हैं <laughs> दूसरों को भी मार सकते हैं हाँ। तो वाकई ये अफसोस की बात है कि इस तरह यूज हो रहा है और किताबों से भी हम इसीलिए दूर हो रहे हैं मैं अपने बचपन का देखती हूँ मेरी अम्मी बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी हमारे घर में ए आर खातून के नॉवेल होते थे जब मैं बहुत छोटी थी और उर्दू नई नई पढ़ना शुरू की थी और उस जमाने में ये होता था अरे तुम नहीं लो ये ये तुम्हारे पढ़ने का नहीं है। हाँ, है वो पता है। नहीं कौन सा नॉवेल था मुझे पहला ही उस से याद हुआ था अच्छा। वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाला, हाला मारा जाने हैं जाने ना जाने गुली, गुली ना, जाने, ना जाने बाप तो, तो सारा जाने पता नहीं कौन सा नॉवेल था उसमें ये शेर था और घर में किताबें होती थी मेरी दादी पढ़ती थी मेरी फुप्पियां पढ़ती थी और मेरी फुप्पिया तो बल्कि आप हैरान रह जाएंगी कि उनको हजारों शेर याद थे अच्छा मेरी दो फुप्पियों का इंतकाल हो गया है और कुछ साल पहले बड़ी फुप्पो का मेरे एक्सीडेंट हुआ था सुपर हाईवे पे फिर वो एओ क्लिनिक में एडमिट हुई उनके ऑपरेशन हुए हंसली की हड्डिया टूटी थी हार्ट टूटे थे काफी ज्यादा वो और उसमें वो मजाक कर रही होती थी बिस्तर पे अच्छा वो लोगों को हंसा रही होती थी और ये जो चीज है ना ये मुझे आपकी फैमिली की बड़ी इतनी एज में और इतनी तकलीफ में और वो आते थे वार्ड बॉय नर्स आते थे वो कहते थे कि अम्मा पहले कोई शेर सुनाए अच्छा। फिर अच्छा। आपके इंजेक्शन लगेगा और वो इतने अच्छे वो आम शेर नहीं होते थे यानी मैं तो शेर शायरी याद नहीं कर सकती तो मुझे हैरत होती है कि इतने अच्छे शेर उन्हें याद होते थे ऐसे ही मैं दूसरे नंबर वाली फुप्पो थी उनको जमीलुद्दीन अली के दोहे जी, जी 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 और वो कबीर दास के जो अच्छा। वो हाँ वो शायरी असली वो सही हाँ, शायरी जो वो, होती वो है वो अब तो फिर नेट पे मिल जाती है गूगल पे मिल जाती है तो मैं बाकायदा उनके घर जाती थी तो मैं कहती थी कि वो आप सुनाए तो मैं लिखती थी अपनी डायरी में सही इतने अच्छे अच्छे दोहे याद थे उन्हें सही बात है तो वही है कि बड़े पढ़ते थे पढ़ते थे लेकिन अब बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है बिल्कुल छोड़ दिया है और उसकी वजह से ही जो है ना वो फिर जॉक की बिल्कुल भी परवरिश नहीं, नहीं रही है मैं देख रही थी यहाँ पे भी मैंने अटेंड की कॉन्फ्रेंस तो उसमें भी के मुशायरे में इवन जब हम बसों में सफर करते थे तो उसमें भी कुछ बेहतर शेयर लिखे बिल्कुल बिल्कुल अब जो है वो जिस तरीके से इंटरनेट पे नजर आ रहे होते हैं एक तो ये कुछ का कुछ बना देते हैं जो शायर हैं बस नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन बस वो क्या शायर हैं तो आप है क्या सुनेगा कोई सही कह रहे हो और मैं पॉपुलैरिटी देखकर हैरान रह गई तो फिर मुझे यही अंदाजा हुआ कि हाँ ये बच्चे बेचारे जो है ना पढ़ने से महरूम है हुँ। तो हुँ। इनको अच्छे और बुरे का जो है ना नहीं पता, नहीं पता चलता अब वो मूवीज देख रहे हैं बच्चे उसमें इतना इतना टाइम जा रहा है हालांकि किताब भी पढ़ सकते हैं मूवीज आप देखते हैं ना तो एक खास एक कोई सीन चल रहा है उसमें खास मंजर आपके सामने है ये हुआ वो जा रहा है आप वही चीज पढ़ेंगे ना तो आपका अपना जहन उस मंजर को तकलीफ करेगा इमेजिनेशन बढ़ती है इसीलिए मैं कहती हूँ मैं तो अपनी पोतियों को भी बहुत कहानियां सुनाती हूँ अच्छा। मैंने अपने बच्चों को भी बहुत कहानियां सुनाई अब मेरी बच्ची पोतिया छोटी एक पांच साल की है और एक तीन साल की है दोनों को किताबें पढ़ने का शौक है शौक है और बड़ी वाली जो मेरी बहू है उसने तो किताबें अपने बच्चे बच्ची को जैसे ली भी बहुत और फिर वो जब छोटी वाली भी हो गई छोटी छो, बहू की बेटी तो वो दोनों बच्ची है फिर उन किताबों में और फिर मेरे पास आके कहानियाँ सुनना और फिर वो यानी इमेजिनेशन मजबूत, मजबूत होती है होती बच्चों होती की तो बड़ों की भी ऐसे ही होती है बुक पढ़ने से एक पूरा खाका एक सीन बन जाता है देखिए ना जिन किताबों से मूवीज या ड्रामे जो है तखलीक किए जाते हैं तो जिन लोगों ने वो किताबें पढ़ी हुई मजा नहीं वो फिर आता कहते हैं नहीं, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने अपने दिमाग में खाका, बिल्कुल, बनाया बिल्कुल। हुआ होता है वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता अच्छे से अच्छा नॉवेल आप पढ़ लें और हाँ, जब आप उसके ड्रामाई तश्किल देखेंगे तो आपको नहीं मजा आएगा नहीं मजा आता तो ये एक वजह होती है और ये कितनी मज़े की बात है कि अगर दस लोग एक ही कहानी पढ़ते हैं तो दसों के जहन के कैनवस पे वो मुख्तलिफ तरीके से वजूद में वजूद में आती है तो पढ़ने की जो है ना यही सबसे बड़ी खूबसूरती है तो लेकिन मैं इसमें ना आपको आपकी तारीफ़ करूंगी या आपको मैं सराहना चाहूंगी कि आप भी वक्त दे रही हैं ये भी तो एक मसला है ना कि बड़े भी अब मसरूफ़ हैं दादिया नानिया भी है। वो कहानी हाँ, मैं हाँ शायद मैं इतनी मसरूफ नहीं हूँ मैं घर में ही रहती हूँ और मैं बच्चों बच्चे मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों से मेरी बहुत दोस्ती होती है उनके साथ बच्चिया तो, तो बाकायदा एक वो होता है मुझे होता है कि भाई इन्हें कहानी सुनाए इनको अच्छी बात कोई खुद बुद्ध वो ये ये नहीं होता कि आप उन्हें सिखा रहे हैं आप कहानी में भी कोई मैसेज दे सकते हैं और बच्चे उस तरह से, से अच्छी तरह पिक करते हैं ना? बच्चे शौक अक... से सुनते हैं आ, अगर हम उनको नसीहत करेंगे तो वो उस हाँ, तरह से नहीं और जाएगी। अभी बच्चियां भी छोटी हैं अभी नसीहत वाली है अभी, नसीध वाली, नसीध अभी नसीध उनकी उम्र नहीं, नहीं है तो वो कहानियां सुन के बहुत उन्हें अच्छा लगता है मजा आता है फिर खुद पढ़ने का शौक होता है जैसे मैं मसरूफ हूँ तो वो फिर उर्दू की किताब अपनी कहानी लेके बैठेगी और वो कोशिश करेगी कि मैं खुद पढ़ू तो ये यही बात एक दफा डॉक्टर आरफा जारा से बात हो रही थी तो उन्होंने उनका मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि बस मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया उन्होंने बस मुझे कहानियाँ सुनाई और फिर वो चस्का मुझे ऐसा लगा कि फिर फिर मैंने ख़ुद कोशिश की तो ये नहीं है कि हम उनको करें कि नहीं तुम रीड करो ये करो और वहाँ पे भी जैसे वो मेरा बेटा है वो आता है तो उसकी टीचर ही कहती है कि बस आप इसके साथ बैठ के पढ़ें तो पढ़ने से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनके अंदर तजस पैदा होता है और फिर वो खुद नहीं पढ़ सकते तो फिर वो कोशिश करते हैं कि माँ बाप मसरूफ़ हैं तो उस तरफ लेके जाए तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे माशा आपको घर से सपोर्ट हासिल रही अपने सयाह की भी सपोर्ट हासिल रही।, रही तो उसमें कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कभी मैं कोई ब्लॉग लिखती हूँ उसमें मेरे हस्बैंड का जिक्र होता है उसमें थोड़ा सा ह्यूमर आ रहा होता हुँ। 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 तो है तो ये कहते हैं कि नहीं आपके हस्बैंड बुरा तो नहीं मानते या उनके कई क्या रिएक्शन होता है या उनको कोई एतराज़ तो नहीं होता तो आपके तो जो कॉलम मेरे खाले सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं वो और आई थिंक वो रिलेटेबल है इसलिए हाँ। ज़्यादा तो क्या तासुरात होते है नहीं, वो इंजॉय करते हैं करते तो मैंने कहा रिटायरमेंट पे लिखना है लिख, दू। <laughs> के लिख दो पता नहीं क्या क्या लिखती रहती हूँ वो भी लिख दो अब रिटायरमेंट पे दुख <laughs> दुख वो नहीं है वो मेरे पेज पे रिटायरमेंट पे मैं लिख देती हूँ तो वो इंजॉय करते हैं बिल्कुल वो कोई ऐसी ऐसी बात नहीं होती कि वो तकलीफ हो जाए जब आदमी हाँ, हंसने वाला हो ना हंसने वाला समझने वाला तो वो जब बल्कि ये रुनुमायी हुई किताब की तकलीब रुनुमाई तो उसमें भी वही जिक्र हो रहा था महमूद शाम साहब भी ड्राइवर सैया गजरे, गजरे एक दो और हैं तो वो मैंने कहा भाई ये हमारे वो हैं मिर्जा अब्दुल हुदूद बेग हैं ये हमारे मुश्ताजा जब हमें कुछ ऐसा लिखने का दिल चाहता है तो हम अपने मियाँ का नाम लेकेला जाता है <laughs> सही कह रही है आप उनके तो बहुत ही मशहूर है लेकिन जाहिर है अगर बुरा मानते तो फिर हम नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते थे, थे। फर्क तो पड़ता है उन्होंने है। है। एंजॉय किया हिम्मत अफजाई की उन्हें अच्छा लगा उनके दोस्तों ने उनके और रिश्तेदारों सब ने सबको अच्छा लगा किसी को कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि ये क्या लिखा क्यों लिखा ऐसी कोई कभी भी कोई बात नहीं कभी भी कोई बात नहीं हुई नहीं बस यही एक छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसकी वजह से फिर आदमी पुरसकून होके अपना काम कर सकता है और मजीद तहरीक मिलती है तो अभी अच्छा मुझसे कुछ लोग पूछते हैं जैसे मैं काफी इस परिस करती हूँ कि भाई पढ़ें 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 तो कहते हैं क्या पढ़ें कैसा पढ़ें तो हमने तो अब कोई इसका रूट मैप ऐसा नहीं रहा बचपन में कहानियाँ पढ़ी एक एक दो दो रुपए वाली कहानियाँ पढ़ी फिर उन्होंने हाल और आँख में ये मैगजीन पढ़े फिर ज्यादा डाइजेस्ट पढ़े उम्र के साथ साथ तो अब आज मुझसे आजकल मुझसे कोई पूछता है ना तो फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि मैं कहाँ से लोगों को शुरुआत करवाऊँ तो अगर मैं आपसे यही पूछूँ कि लोग कहते हैं क्या पढ़ें तो आपकी इन किताबें आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हाँ पसंदीदा एक, किताबें भी मैं बताती हूँ लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर मोबाइल का ज़माना है अच्छा एक बात मैं कहना भूल गई थी कि मेरी बहू ने मेरी बहुओं ने एक ये बात बड़ी सख्ती की है अपने बच्चों पे कि उनका स्क्रीन टाइम रखा है जो बच्चे स्क्रीन लेके बैठे होते हैं ना आप उन्हें कितनी भी अच्छी कहानी सुना दें वो नहीं, नहीं सुनेंगे सुनते, नहीं सुनते। कुछ टाइम बगैर उसके इसमें वो लड़कियां काबिल तारीफ हैं कि इस बात का बहुत उन्होंने ख्याल रखा, ख्याल रखा है तो बच्चों के पास टाइम है कि वो हमारे पास बैठ रहे हैं वरना बहुत घरों में मैंने देखा है जैसे हम बात कर रहे थे ना बुजुर्गों के नहीं। पास टाइम नहीं है तो बच्चों नहीं। के पास भी टाइम नहीं है उसमें उनको एक दुनिया नजर आ रही होती है वो अपना टैबलेट लेके बैठे होते हैं उनको किसी कहानी से कोई गर्ज नहीं, नहीं, नहीं होती फिर होती। बात तो है। एक ये भी वजह है तो जैसे सोशल मीडिया के दौर है तो पहले ब्लॉग ही पढ़ लें और कुछ नहीं पढ़ रहे तो किताबें नहीं पढ़ रहे तो बहुत अच्छे ब्लॉग्स भी हैं बहुत अच्छे लिखने वाले हैं जो उनको भी अब पता चल गया है कि अब नहीं लोग पढ़ते किताबें तो छोटी छोटी चीजें छोटे 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 बहुत अच्छे होते हैं वही सही. पढ़ लें हुँ, फिर हुँ. बाकी किताबें तो बा, बात की बात है सही, सही. फिर तो जाहिर है मजाही किताबें हैं। हर तरह की किताबें हैं रोमानवी हैं जिस तरह की भी हैं हमने तो सब कुछ पढ़ा है हमें तो शौक था शौक था बल्कि इतना शौक था कि बुक्स वही जैसे कहानियों से शुरू हुआ फिर बड़ों की मिल गई सब रंग डाइजेस्ट मिल गया सस्पेंस मिल गया जासूसी मिल गया उर्दू डाइजेस्ट पढ़ा खुवान पाकिजा शुआ सब पढ़ा सब पढ़े सब पढ़ा नॉवेल्स पढ़े सब पढ़े अब वो नेचुरली उम्र ऐसी होती है कि ये कहानियाँ अट्रैक्ट करती हैं हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट करती खास तौर जाहिर है वो

खुला थोड़ा बड़े होके हमने उठाई वो किताबें शमा और अफशा तो वो घर में बड़ी ही हुए कि ये क्या है ये कौन सी नावल है और ख़राब हो जाते हैं इस तरह से पढ़ा अभी उम्र नहीं है ये उम्र नहीं है लेकिन वो है शौक होता है तो फिर आहिस्ता आस्ता फिर आप अदबी को तो वो भी खैर लेकिन वो पॉपुलर फिक्शन में आता है और उस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि लड़कियों को तरबियत के हवाले से बड़े मशवरे भी देते थे कि किताबें ये वाली भी पढ़ो घरेलू कहानियाँ अब अब मिजाज और सब कुछ दमाना भी बदल दमाना चुका बदल है तो है। बिल्कुल ये एक समझिए कि नसीहत समझ लीजिए कि हाँ आपको अगर पढ़ना शुरू करना है तो छोटे छोटे इकते हैं शुरू करें जिसको फिर आपका शौक बढ़ेगा अगर तो बढ़ाना चाहते हैं चाहते हैं, हैं तो <laughs> असल चीज कॉन्शियस एफर्ट मैं ही कहती हूँ कि आप अब भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ही हुआ ना कि सोशल मीडिया पे हम हर चीज कंज्यूम कर रहे हैं अब इत, अब हमने कितने हजारों पेजेस लाइक कर लिए हैं उस पर जो कुछ भी आ रहा है तो यहाँ पे हमें जरूरी है ताकि आपके अंदर जो कुछ जज्ब हो रहा है वो अच्छा हो तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा जो है ना वो पॉइंट है तो अब आते हैं जनाब आपके तजर्बे और ज़िंदगी के जो है सफ़र की तरफ के कोई तीन चीज़ें जो आपने सीखी और आप चाह आप वो कहना चाहेंगी कि ये तीन असूल हैं जो तीन चाहिए तीन तो यानी जिंदगी तो रोज़ एक नया सबक़ देती है भिल्कुल, सबक भिल्कुल, ही सबक, सबक, सबक हैं। हैं, न तीन तो क्या है? हाँ मैं मुझे जो याद आ रहा है मैं एक दो बता देती बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो ये कि किसी भी कोई भी फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए अच्छा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जिंदगी सोच समझ के सोच समझ के फैसला करना चाहिए इसमें ये कि जो भी दो तीन चीजें मैं बताऊंगी कुछ मेरे तजर्बात हैं और कुछ अल्लाह ताला ये ज्यादा अच्छा कर देता है कि हम मुशाह से ही सबक हासिल कर लें कोई कुछ मुशाह हैं हाँ कर लेना चाहिए और दूसरा ये कि शुक्र गुजारी शुक्र गुजारी जो होती है ना अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें तो और, और दूंगा लोग हमारे घर की मिसालें देते हैं कि हम इतने से घर में रहते थे जब भी हमें कोई मसला नहीं था एक कमरे का भी घर था हमारा एक ड्राइंग रूम एक कमरा फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बसों में जाते थे छोटे बच्चे के साथ जब भी हम खुश रहते थे हमारा बच्चा रो रहा है हमें कोई ख्याल नहीं आता था गाड़ियों को देख के, के मैं इसमें क्यों नहीं बैठी हूँ ये, ये बड़ा पॉइंट है, है कि हम में अपने बचपन में क्योंकि हमारा भी काफी हम्बल गुजरा था इस तरह से बचपन तो किसी को देख के ये ख्वाहिश नहीं जागती थी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है ना बिल्कुल भी नहीं इनसे हट के हमें हमें मिल जाए या हाँ, भी बस ये चाहिए। ये चाहिए नहीं होता बिल्कुल। था। बिल्कुल जॉइंट फैमिली में रहते थे हाँ। और कुछ रिश्तेदार बहुत अमीर थे कुछ हम मुतवस्त तबका था हमारे अबू मेहनत करते थे तो हमारा घर चल रहा था और उसमें भी हमारे माँ बाप ने पूरी कोशिश की कि अपने बच्चों को जो उनकी इस्तेत में था हर माँ बाप करते हैं लेकिन हमारी ने तो खूस बहुत ज्यादा वो अभी भी ऐसे ही करती हैं उनका बस नहीं चलता कि वो मेरे लिए क्या कर लें <laughs> तो वो बचपन में भी लेकिन हमें ख्याल नहीं आता था कि हमें पप्पो की गाड़ी देख के ख्याल आ रहा हो हमारे पास गाड़ी, गाड़ी क्यों नहीं क्यों नहीं है ये 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 बिल्कुल भी नहीं भी या उनके कपड़े देख के ख्याल आ रहा हो वो हमसे उसी तरह मोहब्बत कर रही है हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं पैसा दरमियान में नहीं आता था कभी भी सही 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 तो तो शुक्रगुजारी जो है ना ये शायद हाँ, यानी ये इंसान अपना तजर्बे से और उससे मुशाहदे से, से स, ये मैंने सीखा है और शुगर गुजारी का जज्बा आप पैदा कर सकते हैं अच्छा कोशिश से भी पैदा कर सकते हैं अपने आप को समझ हाँ समझा के बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं वो मुझे भी जरा हैरत होती है कि लोग छूटते ही कर देते हैं ओहो आपके तो मजे आप तो ये ये रवैया हमारे है ना बड़ा आम होता हाँ, जा रहा है अब हमें नहीं पता आपकी कितनी एफर्ट है उसके पीछे ये है। किसी को देख के आप नहीं कह सकते ऐसे एकदम से कि ये से... तीसरी बात में यही कहने वाली थी कि तीसरी जबान पर काबू बिल्कुल तीसरी जो मेरी बात है ना मेरी जिंदगी का सबक तजर्बा जबान पे जबान बहुत जख्मी करती है क्या कहना चाहिए तकबर वो भी एक मैं जबान को ही ज़बान से ही निकलते हैं तकबर के अल्फाज और वक्त ऐसे जाता है ना इतने बड़े बड़े पलट जाते हैं। कार्मा, मकाफाते मकाफाते अमल, अमल है अमल। दुनिया मकाफात अमल है अब इस उम्र में आके मुझे होता है कि बहुत इंसान को अपने जुमले सोच समझ के बोलने चाहिए है। बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी कोशिश करनी पड़ती है इसकी बहुत लिए। कोशिश करनी पड़ती और ये, भाई यही है यही फर्क है मेरे हाल इंसानों में वरना वो ये ना फरिश्ते से बढ़कर है इंसान अगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा तो अल्लाह ताला को अगर इबादत ही करवानी होती तो बहुत थे फरिश्ते अब जैसे लोग कहते हैं ना वो जबान की ख़राब है दिल की बहुत अच्छी है भाई से तो दिल का दूसरे के दिल का तो कर दिया ऐसे ही कहा जाता है कि भाई हम मुनाफिक नहीं है हम जो पर हैं और वही लेकिन उसमें हम कितना छल्ली कर जाते हैं दूसरे को तो जबान पे काबू जो होता है ना एक ये जिंदगी का बहुत बड़ा एक हमें इसका ख्याल रखना चाहिए रखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अब हम इख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम चाहेंगे आके आप अपनी किताब से हमें कुछ पढ़ के सुनाइए अपना पसंदीदा कोई भी इकते हो अनकही जो है वो किताब है आपकी और उसमें से हम कुछ सुनेंगे गजरे मेरी किताब में एक मज़मून है गजरे और वो लोगों ने बहुत पसंद किया है तो मैं उसमें से ही सुना देती हूँ एक अकतेबास के शुरू ये इस तरह हुआ था कि हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं शादी हुई तो ख्वाब थे अफसाने पढ़े हुए थे तो गजरे वाला आता है और गजरे दिलवा देते हैं साहब और बड़ा अच्छा लगता है ड्रामे देखे हुए थे तो उस वक्त के मासूम ख्वाबों की बात मैं करती हूँ जिसमें गजरे सर फहरिस्त थे शादी के बाद इत्तेफाक से मोतिया का मौसम मौजूद पर था शादी के बाद दावतें भी बहुत हुईं जब भी तैयार होकर दावत में जाने के लिए घर से निकलते जगह जगह फूलों के गजरे बेचते लड़के नज़र आते लेकिन मजाल है कि हमारे दूल्हा दूल्हमियाँ इन गजरों की तरफ आँख उठा कर भी देख लें मैं ललचाई हुई नजरों से उन गजरों को देखती तो वो गजरे बेचने वाले लड़के मेरी नज़रों की नीयत ख़राबी भाँप लेते और पीछे लग जाते साहब बाजी के लिए ले लें साहब बाजी के लिए ले लें लेकिन साहब को बाजी की वो ललचाई हुई नजरें न जाने क्यों नजर नहीं आती और मैं सोचती कि अभी नई नई शादी हुई है लड़कों को इन बातों की कम ही समझ होती है क्या पता शर्माते हों लेकिन जनाब साल पे साल गुजरते चले गए लेकिन हमारे साहब को कभी गजरे लेने का ख्याल ही नहीं आया सिर्फ यही नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ गजरों के बारे में उनके ऐसे ऐसे सुनहरे ख्याल सुनने को मिले जो कभी हमारे भूसा भरे दिमाग में नहीं आ सकते थे <laughs> अल्लाह ने हमें अपनी गाड़ी से भी जल्दी नवाज दिया था इसलिए यह गलत फहमी भी दूर हो गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान गजरे कैसे ख़रीदे जा सकते हैं अक्सर जैसे ही सिग्नल पर गाड़ी रुकती गजरे वाला भाग कर आता और मेरे मियाँ जो रेड सिग्नल पर रुके हुए होते गजरे वाले को दूर से ही ग्रीन सिग्नल दे देते कि भाग जाओ करीब नहीं आना <laughs> फिर गजरों को देख देख कर गुस्सा करते रहते कि देखो पैसा कमाने के चक्कर में कितनी कितनी सी कलियों को तोड़कर गजरे बना लिए एक आध मरतबा तो गजरे बेचने वाले से भी कह दिया अरे इन्हें थोड़ा बड़ा तो होने देते फिर तोड़ते चलो फूटो यहां से फरमाइशें करने की आदत नहीं थी लेकिन शादी जैसे जैसे पुरानी होती गई बोलने की हिम्मत भी आती गई मसलन आठ दस साल बाद अगर सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई होती और गजरे वाला करीब ही होता तो कभी मैं उसे देखकर बड़े दर्द भरे ले जाए में कहती गरीब हैं बेचारे कि शायद मियाँ के दिल में कुछ अफू और अहम पैदा हो जाए लेकिन तोबा करें जी मौसू को मालूम भी तो इतनी कि बात मोतिया के फ़ी किलो थोक थोक के भाव से शुरू होती और एक गजरे में कितने फूल और एक गजरा कितने में पड़ा पर ख़त्म हो जाती और मैं दिल महसूस कर रह जाती कभी मैं लंबी लंबी सांसें खींच कर कहती ओह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तो फौरन मेरी मालूम में इजाफा करते फूलों पर नकली खुशबू के स्प्रे करते हैं ये लोग सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह हैं <laughs> एक मरतबा सारी मुलवत बालाए तैयार कर कर मैंने ढीठ बन कर कह दिया ले लेना तो नहायत ग नागवारी से गजरे वाले को बुलाया और गरीब से बहस करके पैसे कम करवाने के बाद दो खर, गजरे ख़रीद कर ऐसे दिए जैसे कोई एहसान किया हो और साथ ही ऑर्डर जारी कर दिया बच्चों से दूर रखना एलर्जी हो जाती है वैसे ही बच्चे बीमार रहते हैं चलो भाई सारे अरमान ही खत्म हो गए मुझे कौन सा इन गजरों को पहनना था यही सोचा था कि कमरे में रख लेंगे एसी कमरे में अच्छी सी खुशबू हो जाएगी ठंडी सांस पर भर सोचा कि चलो खुद ही सूख खुशबू से लुत्फ हो जाती हूँ तो इसी तरह के वाकयात हैं फिर मैं आपको एंड बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने इब्तदा में कहा था कि नौमरी के ख्वाब अलग ही होते हैं हमने भी देखे और हमारे छोटे भी देख रहे हैं अंदाज़ ज़रूर बदले हैं तरजीहत भी बदली होंगी लेकिन मेरा ये मजमून लिखने का मकसद अपनी नई नस्ल खूस लड़कियों को यही बात समझाना है कि हमेशा इस बात को याद रखना कि मादी चीज़ें इतनी अहम नहीं जितना अहम एक दूसरे से मोहब्बत इज्जत और ख्याल है ये अगर नहीं होगा तो फूल तो क्या हीरे जवाहरात भी बेकार हैं बिल्कुल और लड़के भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बीवी का ख्याल रख लें उन्हें इज़्ज़त और मोहब्बत दे दें दे तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी अल्लाह हम सब की बेटियों का वास्ता ऐसे लोगों से डाले जो चाहे फूल ना दिलवाएं बस उन्हें फूलों की तरह रख लें बहुत खूबसूरत बहुत ही नेचुरल और रिलेटेबल तो बहुत बहुत शुक्रिया वजारा आप आएं और हमने आज आपसे बहुत सारी बातें की और मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वालों ने देखने वालों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा तो अभी कर... शुक्रिया आपने बुलाया मौका दिया मुझे भी बहुत अच्छा लगा बिल्कुल मुझे बहुत मज़ा आया तो उम्मीद है आप सब ने भी जो है आज के कन्वर्सेशन को इन्जॉय किया होगा और छोटी छोटी बातें हमने बहुत सारी कवर करने की कोशिश की है और कोशिश यही है कि इन मुस्बत बातों से इन छोटे छोटे तजर्बा से दूसरों की गुजारी हुई ज़िंदगी से हम अपनी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी ऐड कर सकें तो समझिए कि हमारी इस गुफ्तु का और इन की सीरीज़ का मकसद पूरा हो गया इन फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ जब जब तक के लिए इजाज़त खुश रहें ख्याल रखें